हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधीर ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभम और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक चला। जैसे आज हमारा है सबसे छोटी इकाई क्या गांव है, गांव से फिर जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से राज्य, राज्य से राष्ट्र। ऐसे ही महाजनपद काल में सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, फिर जनपद से सबसे बड़ी इकाई महाजनपद हुआ करती थी। तो यह 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक चला। 600 ईसा पूर्व ही राज्य की परिभाषा दे दी गई थी। महाजनपदों के बारे में कुछ पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है, जैसे अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म में रचित पुस्तक है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन था। तथा भगवती सूत्र जो है जैन धर्म की पुस्तक है, इसमें भी 16 महाजनपद के बारे में वर्णन है। तथा पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक जो है, इसमें हमें 22 महाजनपद के बारे में वर्णन मिलता है। यह आपसे पेपर में अक्सर पूछता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस पुस्तक से मिलती है। तो आप अगर बौद्ध धर्म से पूछता है तो अंगुत्तर निकाय, तथा जैन धर्म से पूछता है तो भगवती सूत्र बताएंगे। 16 महाजनपद थे जिनमें 14 राजतंत्र चलता था तथा 2 जगह गणतंत्र था। सोचिए, उतना पहले 2 जगह गणतंत्र चला करता था। तो 2 जगह जो गणतंत्र चलता था वो था वज्जी और मल्ल। दुनिया का पहला गणतंत्र था जो वज्जी था। इसकी कैपिटल वैशाली थी, जो लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी जहाँ पे। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं जो 16 महाजनपद थी इनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछता रहता है कि महाजनपद जो था इसकी राजधानी क्या थी। तो ये मगध और अंग जो था, ये राजा बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजात शत्रु को वहाँ का राजा बना दिया था। तो जो मगध थी इसकी राजधानी राजगृह गिरिब्रज तथा पाटलिपुत्र था। तथा अंग की राजधानी चंपा थी, जो मालिनी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। कौशल जो सरयू नदी के किनारे है, इसकी राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती था। तथा अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तथा काशी की राजधानी वाराणसी। पांचाल जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी राजधानी अछिच्छत्र तथा कांपिल्य था। तथा वज्जी की राजधानी वैशाली थी। आम्रपाली जो थी इनका संबंध वैशाली से ही था। कंबोज की राजधानी हाटक थी, जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज की राजधानी हाटक थी, जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तथा असमत की राजधानी प्रतिष्ठान थी। मल्ल जो बुद्ध तथा स्वामी जी का परिनिर्वाण कहा जाता है, कुशीनगर में था इसकी राजधानी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तथा मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु जो वर्तमान आप दिल्ली हरियाणा जानते हैं, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो दिल्ली का पुराना नाम है। आपसे यह भी पेपर में पूछता है इंद्रप्रस्थ कहाँ की पुराना नाम है, तो यह दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी कौसाम्बी थी। तथा चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी से बताया जाता है कलिंग शासक खारवेल का संबंध था। उस समय ईस्ट वेस्ट साउथ तथा नॉर्थ में कौन कौन सी थी महाजनपद, ये हम पढ़ेंगे। तो ईस्ट में हमारा अंग था, जो वड़िकों का नगर कहा जाता है, मतलब बनियों का नगर हो था। तथा वेस्ट में अवंती था, नॉर्थ में कंबोज तथा साउथ में अस्मक था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा महाजनपद के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग सुधीर ट्यूटोरियल।